इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप की अप्लाई किए हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं, तो आप उसका फाइनल प्रिंट कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम आपको फाइनल प्रिंट कैसे निकालेंगे ये बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम यहाँ पर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आ गए हैं। आपको सर्च बार में टाइप करना है scholarship.up.gov.in, उसके बाद ऐसा वेबसाइट आ जाएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहां पे आपको पहले लॉगिन करना होगा। तो हम यहां पे बीए सेकेंड ईयर का फाइनल प्रिंट निकालने वाले हैं। यहां पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और यहां पे रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर जन्मतिथि, यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके आपको सबमिट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने सब कुछ फिलअप कर लिया है। अब इसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप अपने पैनल पे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे नवीनीकरण, आवेदन पत्र को संशोधित करने, यहाँ पे सब कुछ पे यहाँ पे ट्रिक है। यानी कि आपका स्कॉलरशिप पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जांच भी हो गया है। यहाँ पे देखिए, जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट तीन दिन में ये आता है, लेकिन हमारा कल हमने करा था और आज हमारा ये फाइनल हो चुका है। अब यहाँ से आपको फाइनल प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे संस्था हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप संस्था हेतु आवेदन प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अगले इंटरफेस आता है कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स शो होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रिन्यूअल हुआ है, यहाँ पे आपका पूरा शो होगा। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से देखने के बाद आप इसको प्रिंट निकाल लेंगे। यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अगर पीडीएफ में इसको सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिंटर क्लिक करके यहाँ पर प्रिंटर का नाम जो होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रोपिट और लैंडस्केप पे क्लिक करना है। उसके बाद ये अपना पेज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा, आपके प्रिंटर के द्वारा ये प्रिंट होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।